चलो बाबू, तुम अभी क्या गाने वाले हो? गाना गाने वाले हो। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा सांबीर कुमार। वेरी गुड, चलिए गाइए, स्टार्ट करिए गाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, अभी आपके सामने इन दोनों ने, आपके जो दोस्त हैं, देश मेरे सॉन्ग कितना अच्छा गाया आपने देखा ना, तो इसलिए इनको मैं अभी गिफ्ट कर रहा हूँ। चलिए इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। चलिए बहुत बढ़िया, आप इन्होंने भी उतना ही अच्छा गाए, तो इनके भी मैं गिफ्ट दे रहा हूँ। चलिए दौड़ जाता है इसके लिए बताइए। बच्चों, तुम लोग ने जोड़ घटाओ गुना भाग का नियम का पालन करने के लिए सीख लिया ना, लेकिन आपके सहपाठियों में ऐसे चार सहपाठी हैं जिनको समझ में अभी नहीं आया, जिन्होंने हाथ खड़ा किया कि सर हमें समझ में नहीं आया। तो पहले बाबू तुम्हारा नाम बोलो, क्या हुआ? गोलू। गोलू, तुम्हारा नाम? सत्यम। तुम्हारा नाम? तुम्हारा साजन। अब देखिए, आपको मैं अभी सिखाऊंगा, ठीक? अभी आप ध्यान से देखेंगे बच्चों। दस, ये किसका चिन्ह है? ये किसका चिन्ह है? और ये? बहुत बढ़िया। अब आप चारों बताइए कि इस भागा, गुना और घटाव में सबसे पहले किसकी क्रिया होगी? भाग की क्रिया पहले होगी ना, तो ठीक है, भाग का क्रिया होता है पहले, लेकिन भाग मतलब बटा होता है ना बच्चों, तो 10 भागा 5 को 10/5 लिखेंगे ना। उसके बाद हम गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह लगाएंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर घटाव 6 लिखेंगे। अब आप पहले भागा दीजिएगा 10 में किसे भागा दीजिएगा? तो 5 2 तो अब आप क्या उतारेंगे? 2। अब क्या उतारेंगे? 2। अब उसके बाद कौन सा चिन्ह है? उसके बाद 3 है, उसके बाद 6 है। अब आप गुना की क्रिया पहले करेंगे कि घटाव का? पहले गुना की क्रिया करेंगे कि पहले घटाव का? तो 2 3 6, और फिर घटाव 6 है ना बच्चों, 6 में 6 घटेगा, कितना बचेगा? 0 बचेगा। समझ में आया तुम लोगों को? बहुत बढ़िया, जाके बैठिए अब, ठीक? बहुत बढ़िया। जो अभी आपके सामने, अभी बोडा जी छोटा से एक नाटक करेंगे, जिसमें कि सत्यम भी यहाँ पे चप्पल बेचेंगे, और चप्पल बेचेंगे और बोडा जी खरीदने आएंगे, जिसमें से ये फनी कॉमेडी टाइप नाटक रहेगा।
तो आनंद लीजिएगा आप। चले स्टार्ट करिए बोटा जी। दा 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 दा।